अर्थव्यवस्था में आई मंदी ने ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में बंदे की नौबत ला दी है, जिससे न सिर्फ बढ़ते विकास की राह रुक गई है बल्कि लोगों से रोजगार भी छिन गया है। वाहन क्षेत्र में सुस्ती को देखते हुए ही पहले टाटा मोटर्स ने उत्पादन रोक दिया और अब हीरो मोटोकॉर्प और सुंदरम क्लेटॉन ने भी नए वाहनों का उत्पादन नहीं करने का ऐलान किया है। वहीं इस मंदी को लेकर अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर वार किया है। 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 हटने का जश्न मनाया। तीन तलाक बिल पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, जनसंख्या रोकने की अपील की, लेकिन अर्थव्यवस्था में आई मंदी की बात पीएम मोदी की जुबान तक नहीं आई। उन्होंने ये नहीं बताया कि आज की मंदी के इस दौर से कैसे निकला जाए, कैसे बढ़ती बेरोजगारी को रोका जाए। शायद इसी का ही नतीजा है कि आज अर्थव्यवस्था में आई मंदी ने ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में बंदी की नौबत लाती है, जिसके चलते वाहन निर्माता कंपनियां उत्पादन घटाने पर मजबूर हो गई हैं। पहले टाटा मोटर्स ने उत्पादन न करने का फैसला लिया था, वहीं अब हीरो मोटोकॉर्प ने भी 4 दिन उत्पादन बंद रखने और टीवीएस समूह के लिए कल पुर्जा बनाने वाली सुंदरम क्लेटॉन 2 दिन उत्पादन नहीं करने की घोषणा कर दी है। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि वो अगले 4 दिनों के लिए प्रोडक्शन बंद कर रही है। दरअसल हीरो मोटोकॉर्प ने बाजार में मांग घटने से तनावपूर्ण दौर से गुजरने के संकेत दिए हैं। कंपनी ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और वीकेंड के कारण सालाना अवकाश का भी हिस्सा है, लेकिन आंशिक तौर पर ये बाजार में घटती मांग का भी संकेत है। इसी तरह टीवीएस समूह के लिए कलपुर्जा बनाने वाली सुंदरम क्लेटॉन ने कहा कि वो तमिलनाडु के पाड़ी स्थित कारखाने का परिचालन 2 दिन के लिए बंद करेगी। आपको बता दें कि इस महीने बॉश लिमिटेड, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां भी मांग और उत्पादन में सामंजस्य बिठाने के लिए वाहनों का निर्माण कुछ दिनों के लिए बंद करने की घोषणा कर चुकी हैं। जुलाई में वाहनों की घरेलू बिक्री 18.71% घटी, जिसे इस सदी की सबसे बड़ी गिरावट बताया गया है। इसी स्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार बैठकें तो कर रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, जिसे लेकर अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, देश का आम नागरिक भाजपा सरकार के शीर्ष नेताओं से, वित्त मंत्री से इस भयंकर मंदी पर भी कुछ सुनना चाहता है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन सरकार के लोगों का मुंह नहीं खुल रहा, क्यों? वाकई वाहन सेक्टर आज जिस दौर से गुजर रहा है, उसे लेकर सवाल तो उठना लाजमी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।